लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ बाबूजी को? पुलिस को शक है कि भैरवनाथ नाम के खतरनाक मुजरिम ने पुरानी दुश्मनी की वजह से इंस्पेक्टर साहब की हत्या कर दी। जी इंस्पेक्टर विनोद रस्तोगी का बेटा रवि रस्तोगी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, बंबई शहर से पढ़ाई छोड़कर नारायणपुर आ चुका है और उसने हमारे दिल्ली कॉलेज में दाखला भी ले लिया है बाबजी, मगर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। नजर रखो। Gonna make it big, okay? Take it from me, yeah! Okay, now we do the spin, okay? It goes one, two, three, and four! Oh, I'm sorry, guys. Sorry. Hey, musicians, are you all ready? Yeah! Right! Hey, girls, get your bum straight. Come on, come on. Right. One, two, three, four! ऐसे नाचते हैं? ऐसे नाचते हैं? ये क्या कर रही हो तुम लोग? नाक कटवाओगे मेरी गैदरिंग में? अब देखो मैं करती हूं। कम ऑन। वन टू थ्री। Hey, mister, wait. Come here. जी? तुम्हें हमारे डांस में हंसी की कौन सी चीज नजर आई भाई? अब जाने भी दीजिए ना मैडम, आपको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जरा हम भी तो सुने, हमारे डांस के बारे में आपकी कीमती राय क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग नाच नहीं रहे बल्कि पांव से जमीन में चवन्नी ढूंढ रहे हो, या हो सकता है आप लोग नाच ठीक रही हो मगर फर्शी टेढ़ा हो। वैसे आप अपने आप को माइकल जैक्सन के बाप समझते होंगे। माइकल जैक्सन के बाप को नाचना नहीं आता। तुमको आता है डांस मिस्टर धोती प्रसाद पायजामा चंद? यूं ही दो चार स्टेप, इसीलिए प्रैक्टिस करने आया था। तो फिर दिखाओ ना।
ओके ओके। आज तो ये गया काम से। आओ बेटी आओ। ठाकुर साहब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? ठाकुर साहब ये है मेरी बेटी मीनू। नमस्ते। जीती रहो बेटी। कहाँ इतनी देर लगा दी बेटे? आ तो गई हूँ बाबूजी, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा था। It was exciting, wonderful. ओहो, ऐसा कौन सा अजूबा देख लिया कॉलेज में? कॉलेज में एक नया लड़का आया है रवि नाम का। हाय, क्या गाता है, क्या नाचता है वो। अगर आप भी उसे नाचते हुए देखेंगे ना तो आप भी नाचने लगेंगे। प्रूं, प्रूं। मुझे डांस सिखाने का वादा किया है बाबूजी। अच्छा, वैसे बेटे ये नाचना गाना मिरासियों का काम है, तुम जैसी शहजादियों का नहीं। तुम तो नारायणपुर शहर की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बनना है। मगर बाबूजी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कहा था कि पॉलिटिक्स सिर्फ चोर, गुंडों और बदमाशों का काम है। क्या बात है? बाबूजी, अगर आपकी कृपा हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठाकुर साहब, हमारी एक शर्त है, आपका बेटा हमारा घर जमाई होगा, क्योंकि मेरे बाद मीनू ही शहर की बागडोर संभालेगी। जो हुकुम। चलिए आपको सक्सेना की फैक्ट्री दिखाता हूं और एक मोटा सा ऑर्डर दिलवाता हूं। सीमा, तुम्हारा ये रोज सिरची के बेटे के साथ आना जाना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो अनिल सक्सेना लड़कियों के मामले में कितना बदनाम है। लेकिन मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। जरा संभल के। ओके, बाय, सी यू। बाय। अपना राजा यहाँ। और जहाँ तक उस लाइसेंस का सवाल है वो मैं आपको मिनटों में दिलवा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। ये सक्सेना का केबिन कौन सा है? मिस्टर सक्सेना बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं। आप बैठिए, थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा उस सक्सेना का जो पिछले 20 साल से हमारी ड्योढ़ी पर आकर धूमे लाता है। मुझे आपके तेवर से सख्त एतराज है। मैं अपने सामने अपने मालिक का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर हम कहें कि तेरा मालिक इस भरे दफ्तर में भी सबके सामने हमारे तलवे चाट सकता है तो मैं आपको एक घटिया आदमी समझकर यहाँ से निकलवा दूंगी। तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। तेरी इस बदतमीजी के लिए हम तुझे भरे बाजार बिकवा सकते हैं। बेचने से पहले खरीद तो लीजिए। वैसे एक बार आपने इंस्पेक्टर विनोद रस्तोगी को भी खरीदने की कोशिश की थी, है ना? विनोद रस्तोगी? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो तू उस कुत्ते की औलाद है। कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। ठाकुर साहब, ये अपने आप को समझती क्या है? राम साथी, दो टके की नौकरानी, बुला सारे सक्सेना को। ए सक्सेना, कैसी कैसी कुतियाएं पाल रखी हैं हमारी तौहीन करवाने के लिए। अरे बाप जी, आपने को तकलीफ की, मुझे बुला लिया। वो सब बाद में, पहले इस लौंडिया से कहो मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगे। इसने सबके सामने हमें जलील किया है। तब तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अनीता। मैंने इन्हें इज्जत से बैठने को कहा तो जलील किया? मैंने इन्हें इंतजार करने को कहा तो क्या जलील किया? मैंने इनसे कहा कि आप बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं तो क्या जलील किया? और इन्होंने आपको अपनी देवड़ी का कुत्ता कहा तो आपका रुतबा बढ़ाया? मुझे भरे बाजार में बिकवाने की धमकी दी तो क्या मेरी इज्जत की? मुझे बदजात, कुत्ते की औलाद, लौंडिया और पता नहीं क्या क्या कहा तो क्या मेरी तारीफ की? सक्सेना, अगर इस लड़की ने माफी नहीं मांगी तो तुम भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगे। बेटी प्लीज, आखिर मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। आप मेरे बाप के बराबर होते तो ये सज्जन इस वक्त यहाँ नहीं, कूड़े के डब्बे में पड़े होते। अनीता, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? मेरे बाप ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कम से कम अपनी नौकरी तो दांव पे लगा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ सर, इस्तीफा कल भिजवा दो। मुझे इस्तीफा नहीं, माफी चाहिए। अनीता सुनो बेटी,
माना कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी नौकरी दाव पर लगाने का पूरा हक है। फिर भी इतना याद रखो कि इस कारखाने से सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, हजारों चूल्हे जलते हैं। और अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, वे हजारों चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। जानती नहीं बाप जी ने किस तरह लक्ष्मी मिल को बर्बाद कर दिया। गुप्ता केमिकल्स, जेटली इंजीनियरिंग और न जाने कितनी ही मिले खंडहर हो गई। देखो बेटे, एक आत्मसम्मान की कीमत एक जिंदगी तो हो सकती है, हजारों जिंदगियां नहीं। आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में गलती हो गई। अपने बप्पा पे तरस खाओ। ये बुढ़ा गला क्यों फाड़ रहा है? अरे बादशाह, ये लकड़े वाले की लौंडी है ना, अपने आप को अंदर बंद करके ठस गई ली, दरवाजा नहीं खोल रही ली। उसके बाप को देख कैसा झोल खा रहे ले। अरे भैया, हम तुम लोग के परलोक सुधारे हैं कथा सुना सुना के। अरे कोई हमारी लोग तो सुधारो रे भैया, ऊपर वाले। अरे पंडित के आशीर्वाद लागी। अरे भैया बचाओ कोई बिटिया का। अबे मुन्ना, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे। ए बाबा, झेटली में ऊपर किधर जा रहा है? अरे शोले में धर्मेंद्र ने किया ना, वही नाटक रिपीट करेला ये। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। कमाल बिटिया की जान इधर आपस में फंसी है और इस शराबी को आम तोड़े की पड़ी है। भाई जी, मैं अनिल सक्सेना के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आपकी सीमा।